हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप गाइस आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा ही कर रहे होंगे। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि आपकी पर्सनैलिटी में ऐसी कौन सी बात है जो लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, क्या रीज़न है, क्यों होते हैं आपसे अट्रैक्ट लोग। ओके, सबसे पहले तो आप बहुत ज़्यादा साइकिक हैं, दोनों ही कार्ड जो है मेजर अरकाना आए हैं, काफ़ी अच्छी इंट्यूशन पावर है आपकी। जैसे ही आप कुछ लोगों के बारे में बताते होंगे लोग हैरान हो जाते होंगे और इसी वजह से लोग आपसे आकर्षित होते हैं। और यहाँ पे मुझे लॉन्ग हेयर भी लग रहा है कि आपके लॉन्ग हेयर की वजह से भी लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। ओके गाइज़, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे, जो कि मैंने अबाउट सेक्शन में लिंक कर दी है। आप में ऐसा क्या है खास जो लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं? ओके, आई होप कार्ड विजिबल होंगे आप सभी को। सबसे पहले तो गाइस मुझे यही लगता है जो रीज़न है लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं उसका, कि आपका इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रांग है, आप काफ़ी साइकिक हो सकते हैं। तो जब भी आप किसी से मिलते हैं ना तो आपको उस इंसान की एनर्जी समझ आ जाती है। ओके, और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत अच्छा ऑब्जर्वर है। ओके, और आपने उस इंसान को ना बताया हो, किसी और को उस इंसान के बारे में बताया हो, आई होप समझ पा रहे हो आप कॉन्सेप्ट को, तो लोग हैरान रह जाते हैं कि आप इतना डिटेल में कैसे बता सकते हो किसी के बारे में। ओके, आप जब किसी से मिल रहे हो तो जो थर्ड पर्सन होगा ना उसको आप ये बोलते होंगे कि ये व्यक्ति ना ऐसा ऐसा है, इसका नेचर जो है डोमिनेटिंग है, या ये व्यक्ति जो है ना बहुत ज़्यादा कंजूस है, या ये व्यक्ति जो है ना बहुत ज़्यादा चालाक है अपने काम को लेके। और वो इंसान जैसे ही उस इंसान को नोटिस करता है ना उसमें एग्जैक्ट वही चीज़ें निकलती है। तो वो इस वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं कि जो आप बता रहे हो, जिसके भी बारे में आप बता रहे हो वो एग्जैक्ट चीज़ें निकलती हैं। तो आप बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हो और आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग है, आपको ना लोगों को परखने की काफ़ी अच्छी समझ है। ओके, लोगों को आप बहुत जल्दी परख लेते हैं, बहुत जल्दी भाप जाते हैं कि वो किस इंटेंशन से आ रहे हैं, वो चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ें यहाँ पे मुझे ये लग रही है कि एक तो आपकी स्माइल जो लोगों को अट्रैक्ट करती है, दूसरा आपकी आंखें। ओके, या तो आपको ना बहुत ज़्यादा शौक है, अगर लड़कियां हैं तो बहुत ज़्यादा डार्क लाइनर लगाने का या काजल लगाने का, ओके, मस्कारा वगैरह लगाने का, जिसकी वजह से आपकी आंखें बहुत सुंदर लगती हैं। परमानेंट जो होता है ना कि डेली में लगा रहे हैं, किसी किसी लड़की को ना आदत होती है, तो उसकी वजह से ना आपकी आंखें बहुत सुंदर लगती हैं। तो एक तो ये है कि लोगों की नज़रें जो है ना आपकी नज़रों पर टिक जाती हैं, वो रीज़न हो सकता है, या फिर आपकी स्माइल बहुत अच्छी है जिसकी वजह से लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं आपसे। ओके, स्पेशली अपोजिट जेंडर वाले लोग, और सेम जेंडर वाले लोगों ने भी ना आपको काफ़ी बार कॉम्प्लीमेंट दिया होगा कि आपके फेस फीचर बहुत अच्छे हैं, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, आपकी आंखें बहुत अच्छी है, या आपके बाल बहुत सुंदर हैं। ओके, आपको हेयर कलर कराना बहुत पसंद हो, वो रीज़न हो सकता है, या फिर आपके लॉन्ग हेयर हैं। ओके, ये भी एक रीज़न कहूँगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे ना लोग आपके फिजिक्स से भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, या तो आपको जिम जाने का बहुत शौक़ है, आप एक जिम ट्रेनर हो सकते हैं, आप एक टैटू आर्टिस्ट हो सकते हैं, या आपने टैटू करा रखा हो, ऐसा हो सकता है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी फिट रखते हो अपने आप को। ओके, फिटनेस के लिए भी आप कुछ ना कुछ करते रहते हो, मतलब लोगों में भी ना जागरूकता वगैरह फैलाना, ये सब चीज़ें करना, योगा, जिम ट्रेनर, ये इस टाइप के पर्सन आप हो सकते हैं। तो लोग आपके फिजिक्स से भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप लड़के हैं तब भी आपने ना अपना अच्छा खासा फिगर बना रखा है, एंड इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके भी बॉडी अच्छी है, मतलब आपने एब्स वगैरह बना रखे हैं, वो टाइप का मुझे लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ी हो आप जिम के लिए, वो चीज़ें
हो सकती हैं, ओके। और यहाँ पे लोग आपकी तरफ इसलिए भी अट्रैक्ट है कि आपको कोई चीज़ बुरी लगी है, आपको बहुत जल्दी हर्ट होता है और लोग आपको बहुत जल्दी धोखा देते हैं, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिन्हें फ्रेंड्स बनाना बहुत पसंद है, जिन्हें लोगों के साथ घुलना मिलना बहुत पसंद है। तो उसी वजह से ना, जितने ज़्यादा लोगों से आप मिलते हो उतनी ही जल्दी आप हर्ट होते हो, ओके। आपको छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ी तरीके से लग जाती हैं और बड़ी बड़ी बातों को भी आप छोड़ देते हैं। आप काफ़ी ज़्यादा गिवन नेचर के हैं, काफ़ी हेल्पिंग नेचर है आपका, तो जब आपको हर्ट होता है ना आप वहाँ से चले जाते हो, लेकिन आप उन लोगों में ना बाधाएं नहीं पैदा करते। मतलब ऐसा नहीं है कि आप हर्ट हुए तो उसका आपने बदला किसी और से ले लिया, या जिस इंसान ने आपको हर्ट किया तो उस इंसान से आप बदला लोगे उसके बाद ही आप जाओगे, तो आपका वो नेचर नहीं है, ओके। आप चुपचाप वहाँ से कट लेते होंगे, वो चीज़ें हैं कि आप ना ज़्यादा किसी को ना क्लियर नहीं करते होंगे, या ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करना आपको पसंद नहीं होगी, इंट्रोवर्ट टाइप के पर्सन होंगे, गिने चुने लोगों के साथ आपको फ्रेंडशिप रखना पसंद होगा, एक दो फ्रेंड्स ही हों आपके, वो चीज़ें मुझे लग रही है। और यहाँ पे ना मुझे टैटू बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, तो आपकी बॉडी पे ना टैटू बहुत सारे हैं, वो चीज़ें हो सकती है, जैसे शोल्डर पे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि टैटू बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, ओके। तो आपने कहीं करवा रखे हों, वो चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये लगता है कि लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं ना, तो वो चीज़ें उन्हें समझ आए, ओके। तो आप एक होप नहीं खोते हो, लेकिन फिर भी आप वहाँ से ना कट लेते हो, वहाँ से चले जाते हो बिना कुछ कहे। मतलब वो चीज़ का मैं कह सकती हूँ कि वो कहते हैं ना सब्र का घूंट पीना, कुछ समथिंग ऐसी कहावतें होती है ना, वही चीज़ है कि आप ना एक वक्त पे, मतलब वही है कि कर्मा बिलीवर हो आप, और आप ये सोचते हो कि ठीक है जैसा चल रहा है चलने देते हैं, आगे बढ़ते हैं, सामने वाले ने वैल्यू नहीं की तो क्या करें, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपका हेल्पिंग नेचर है, काफ़ी हेल्पिंग नेचर रखते हो आप, और आपको ना बहुत कम ही लोग समझ पाते होंगे। आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन लोग आपसे इसलिए अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि आप ना कभी भी किसी को ना हर्ट नहीं करते। मतलब ये चीज़ नहीं है कि किसी ने आपके साथ गलत किया तो आप सेम वे में किसी और के साथ गलत करो, नहीं, आप कर्मा बिलीवर हो, आप हेल्पिंग करना, ब्लेसिंग अकाउंट बढ़ाना, इन सब चीज़ों में बहुत बिलीव रखते होंगे, और लोग आपसे इसलिए भी अट्रैक्ट होते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो एक साथ ना मल्टीपल काम कर ले। मतलब ये इंसान जो है ना इतनी सारी बुक्स को लेके जा रहा है, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसका फोकस कहीं और भी है। तो एक तो ये चीज़ है कि आप एक ऐसे व्यक्ति कि आसपास क्या हो रहा है ना उन चीज़ों को भी ऑब्जर्व करते हो, लेकिन अपने काम पर भी फोकस रखते हो कि आपको क्या करना है, ओके। और यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आप बहुत हार्डवर्किंग हो, घर के बड़े बेटे या बेटी होंगे तो आपको ना जिम्मेदारियाँ उठाना निभाना ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, और आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ना बहुत अच्छा है, लोगों के साथ ना आप काफ़ी अच्छी बातें करते हैं, बातें बनाने में बहुत मस्त हैं आप, बहुत अच्छे हैं आप, ये मैं कह सकती हूँ। और लोगों को ना आप ब्लैक कलर के कपड़ों में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, पता नहीं किसके लिए है, बट कोई है ऐसा जो ज़्यादातर ना ब्लैक कलर के कपड़े पहनना पसंद करता है, लड़का या लड़की, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि आप पे सूट करता है, ओके। वैसे आप पे ज़्यादातर कलर सूट करते हो, वो चीज़ें हैं। और साथ ही यहाँ पे मुझे ये भी चीज़ें दिख रही हैं कि आप टाइम पंचुअलिटी में हैं, टाइम एकदम, मतलब जो काम है ना वो इंस्टेंट ख़त्म करना है, ये चीज़ें हैं, ओके। हार्डवर्किंग हो काफ़ी ज़्यादा, यहाँ भी आया, काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्किंग हो, मेहनत करने से डरते नहीं हो, और आप एक ऐसे पर्सन हो जिसका वीनस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, ओके। और देख लेते हैं यहाँ पे ड्रेसिंग स्टाइल, मुझे आपका ज़्यादा खास मुझे लग नहीं रहा कि आप बहुत ज़्यादा ओवर फैशनेबल हैं, वो चीज़ें नहीं हैं, जस्ट आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी अट्रैक्टिव है, ओके। अपने आप को फिट बना कर रखते हो, आप लोगों के साथ काफ़ी अच्छे से घुल मिल जाते हो, लेकिन काफ़ी कम लोग आपको समझते हो, वो चीज़ें हो सकती हैं। साथ ही आप एक ऐसे पर्सन है जो कभी भी ना मदद के लिए मना नहीं करता है, मतलब हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। आपने फाइनेंशियली भी हेल्प की होगी लोगों की, इमोशनली भी की होगी, मेंटली भी की होगी, ओके, वो चीज़ें हैं। साथ ही ये भी चीज़ है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो चैरिटी बहुत करता हो, वो चीज़ें हो सकती हैं। आपको घूमने फिरने का बहुत शौक होगा, ओके।
आपका खुद का बिजनेस हो सकता है, जिम हो सकता है, योगा सेंटर हो सकता है, बैंक में जॉब करते हो वो चीज़ें हो सकती हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, टीचर हो सकते हो। यहाँ मुझे कुछ प्रोफेशन दिखे वो मैंने बता दिए, बार रेस्टोरेंट ये कुछ है करियर वो मुझे दिख रहे हैं आपके। फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं आप। मे बी यहाँ पे किसी के ना ऐसे कर्ली हेयर होंगे, बहुत ज़्यादा वेवी हेयर जो कहते हैं ना वो होंगे, वो उन्हें बहुत पसंद आते हैं। ये वर्ल्ड कार्ड को हमें छुपाना पड़ेगा। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आप ना फैशनेबल हो, बहुत ज़्यादा मॉडलिंग वगैरह में हो सकते हैं। ओके, और यहाँ पे ये भी चीज़ आई है कि थ्री ऑफ कप्स जो है रिपीट हुआ है, तो आपको पार्टी करने का बहुत शौक़ है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल आया है, तो मे बी ऑलरेडी आप मैरिड हैं, तो जिस पर्सन के साथ आप मैरिड हैं ना उनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, या उन उस पर्सन के साथ ना आप काफ़ी अच्छे लगते हो। अगर रिलेशनशिप में भी हो तब भी, क्योंकि दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं, दोनों फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, दोनों की पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी है, और दोनों सेम फील्ड से हों वो चीज़ें भी हो सकती हैं। ओके, और अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हो दोनों ही। अगर मैरिड हो तो ये भी है कि फाइनेंशियली काफ़ी अच्छे हो, ठीक है, आपकी फैमिली में काफ़ी हैप्पीनेस है, इस वजह से भी लोग अट्रैक्ट होते हैं कि यार ऐसी फैमिली होनी चाहिए या ऐसा कपल होना चाहिए या मेरा जो पार्टनर हो वो ऐसा हो, क्योंकि आप दोनों के ही हस्बैंड वाइफ, या अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो जब भी लोग आपको देखते हैं ना तो वो यही सोचते हैं कि ऐसा कपल होना चाहिए, दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, दोनों के बीच कितना ज़्यादा एक दूसरे के लिए प्यार है, वो चीज़ें हैं। और यहाँ पे फैशनेबल हो सकते हो कुछ कुछ लोगों के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है आप मॉडलिंग वगैरह करते हो वो चीज़ें हो सकती हैं। और यहाँ पे लोग आपकी तरफ इसलिए भी अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि लोगों के साथ आपको इंटरेक्ट करना बहुत पसंद है, और कहीं ना कहीं आप एक ऐसे पर्सन है जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हो सकता है, या नॉर्मली भी ऐसा हो सकता है कि आपका ना इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग है, या आप बहुत जल्दी दोस्त बना लेते होंगे। वो बात अलग है कि रिश्ते टिकते नहीं हैं, क्योंकि हर कोई इंसान आपकी तरह नहीं सोच सकता है, आपकी तरह ना सॉफ्ट हार्टेड पर्सन या एक ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता है जो ईमानदारी से चलता हो। ओके, आपको ये चीज़ें हो सकती है कि नहीं भाई रिलेशनशिप में अच्छे से चलना चाहिए, आपको पार्टनर अच्छा मिला है। अगर आप सिंगल है तो लोग यही सोचते हैं कि इस इंसान को ना इस जैसा ही इंसान मिलना चाहिए। ओके, वो ये भी सोचते हैं। अगर आप सिंगल हैं और आप सोचें कि नहीं भाई हमारे से रेजोनेट नहीं करता है, तो वो आपके बारे में यही सोचते हैं, या लोग जो अट्रैक्ट हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी इन क्वालिटीज़ को देख के ये सोचते हैं कि अरे हम भी तो एक ऐसे ही व्यक्ति हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके साथ अच्छे मैच खाओगे। ओके, या उन्हें ऐसा लगता है कि आपको ना आप जैसा ही इंसान मिलना चाहिए, वो ऐसा भी सोचते हैं। अब एक गाइडेंस कार्ड भी देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। आप एनिमल लवर हो सकते हैं। ओके, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक एनिमल लवर होंगे, या आपके खुद के पेट होगा। ओके, आपकी लाइफ में अबंडेंस बहुत है। ओके, आपकी लाइफ में अबंडेंस, ओह माय गॉड, आर्कएंजल माइकल। तो आर्कएंजल माइकल जो हैं आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और इसी वजह से आप बुरी नज़रों से बचे हुए हैं, और आपकी लाइफ जो है काफ़ी अबंडेंट है, और आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। और कहीं ना कहीं जो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं ना, तो उनकी वजह से ना आपको भी कभी कभी ये चीज़ फील होती होगी कहीं मुझे नज़र ना लग जाए। ये लोग मुझे इस तरीके के कॉम्प्लीमेंट देते रहते हैं कि आप दिखने में बहुत सुंदर हो, आपकी आंखें सुंदर हैं, आपका बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, तो कहीं नज़र ना लग जाए। तो डोंट वरी, नज़र कभी नहीं लगेगी, क्योंकि आर्कएंजल माइकल की जो है प्रोटेक्शन है आप पर। ओके, और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपकी लाइफ में भी एक ऐसा ही पर्सन आएगा जो बिल्कुल आप ही की तरह होगा। सो यह गाइज, मुझे यही दिख रहा है। आई होप रीडिंग अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी आपको, ठीक है। अगर मैं आपके बर्थ डेट की बात करूँ, 1/10/1928 हो सकती हैं। ओके, और यहाँ पर मुझे दिख रही है 6/15/24। एंजल नंबर 10/10 आजकल आपको बहुत ज़्यादा ही दिखता होगा। 8/17/26/3/12/21। और यहाँ पे मुझे दिख रही है, यही मुझे बर्थ डेट दिख रही है। अगर मैं बर्थ मंथ की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है जनवरी, फरवरी, मार्च, जून और अगस्त,
यहाँ पे मुझे दिख रहा है अक्टूबर, यही मुझे बर्थ मंथ दिख रहा है। जो बर्थ मंथ और बर्थ डेट मैंने बताई अगर रेजोनेट नहीं करती, स्टिल रीडिंग रेजोनेट करेगी। जोडियक साइन की बात की जाए तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है अर्थ साइन, फायर साइन, वाटर साइन भी है और एयर साइन भी है। तो जोडियक साइन यहाँ सारे ही मौजूद हैं, स्पेसिफिक जोडियक साइन नहीं बताऊंगी। या गाइज आई होप रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो, की हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मुझे ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।